मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, गेमर नेम मेरा काशी स्नेक है और मेरा मेन टेकन सेवन में अकूमा है। और रिसेंटली इधर टागरा कप हुआ था रावलपिंडी में, तो फोर्थ पोजीशन में आया था मैं, फोर्थ में नंबर पे आया था मैं। तो मेरा तकरीबन गेम प्ले सबसे अलग है, इवन मैं ऐसा नहीं और जो भी लड़के इधर पाकिस्तान में खेलते हैं और वर्ल्ड वाइड पे मेरा सबसे स्टाइल जो है डिफरेंट है। Oh my God! What the hell? He's off the stage! Oh my God! The bait! He's touched the bait! I'm telling you! Oh my God! This is so Pakistani! He's a master baiter! I'm telling you! जैसे एक बंदा भी कॉन्फिडेंट होकर खेलता है कि बस मुझे खेलना आता है कि मैं ऐसे खेल सकता हूँ। 2015 या 16 में टैग टू स्टार्ट की थी और फर्स्ट टाइम मैंने आतिफ भट्ट को खेलते देखा था, तो मतलब एक मुझे लगा कि मैं मतलब ये गेम मुझे खेलनी चाहिए क्योंकि बहुत नाम था आतिफ भट्ट का टैग टू में। तो फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ खेला लेकिन बहुत मार पड़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद सेवन में मैंने कुमा खेलना शुरू किया और उसके बाद तकरीबन मैं 6 से 8 माह आतिफ के साथ रेगुलर खेला हूँ, तकरीबन 8 माह रेगुलर खेला हूँ। काफ़ी सारे हमारे मैचेस भी हुए, इधर टूर्नामेंट हुए, खलील भाई ने करवाए गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला के इवेंट से हमने बहुत अच्छे खेले जी। इधर पाकिस्तान में तो अरसलान ऐश ये वो चैंपियन है, सबको पता है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को पता है कि वो बंदे का क्या लेवल है। और लास्ट टाइम मैं उसके साथ खेला भी था, तकरीबन काफ़ी टफ था, मतलब 13-15 रहा उसके साथ, 13-15 का लेवल था। उसके बाद फिलहाल मैं आतिफ के साथ खेला, आतिफ भट्ट के साथ, तो उसके साथ एक मैच हारा एक जीता, मतलब ये इक्वल लेवल था उसके साथ। और इंटरनेशनल पे अगर 2021 में मुझे स्पॉन्सर मिलता है तो मैं भी कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ कि मैं TW2 जीत सकता हूँ, ओवरऑल मैं जीत सकता हूँ।